आपकी पंडित जी जो बातें हैं वो कई बार भ्रमित भी कर देती हैं और मुकाम तक भी ले जाती हैं। शिव देवता कहाँ के हैं? शिव का वास कहाँ माने? शमशान का वासी माने उनको, कैलाश का वासी माने? देखिए वो लोग कहते हैं कि शिव शमशान के वासी हैं कि कैलाश के वासी हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जहां निवास करते हैं वहां निवास करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जहां दिल से पुकारोगे शिव वही है, भीतर का मन कैलाश है। हम अगर कहीं शीतल जगह में कैलाश पर जाकर बैठ जाए और शंकर की आराधना करें और सोचे शिव मिल जाए ना, अपने दिल को आपको कैलाश बनाना पड़ेगा, आपके दिल को शीतल बनाना पड़ेगा, आपके हृदय को नम्र बनाना पड़ेगा, तभी तो शिव प्रवेश करेगा। शंकर को प्रवेश करने के लिए आपको कैलाश नहीं जाना है, शंकर को पाने के लिए आपको केदार नहीं जाना है, शंकर को पाने के लिए आपको अमरनाथ नहीं जाना है, शंकर को पाने के लिए आपके अंदर विश्वास की अमरता चाहिए, अमरनाथ बन जाएगा। आपके भीतर स्वयं शंकर को पाने के लिए शीतलता चाहिए, आप केदार और महाकाल स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, स्वयं कैलाश अधिपति प्राप्त हो जाएंगे। तो भीतर के भाव से शिव प्रकट होता है। लोग कहते हैं शमशान में, वो शमशान में, लोग कहते हैं कंकर में शंकर, वो कंकर में शंकर, लोग कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर, वो हर जगह आप में मुझ में सब में शिव समाया होगा, बस उसके पहचान के नेत्र चाहिए।